हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर वन में। दोस्तों, आज हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ाने नहीं आए हैं, आज हम कोई टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आज का टॉपिक है कि पढ़ाई में मन को कैसे लगाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी क्वेरी जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम पढ़ाई में मन को कैसे लगाएं, और दूसरी क्वेश्चन आती है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, पढ़ाई करने का सही तरीका कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, और तीसरी क्वेश्चन आती है कि ध्यान केंद्रित कैसे करें। कभी कोई कहता है कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है, कोई कहता है कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। दोस्तों, इस विषय इस तीनों टॉपिक के संबंध में हम आज कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को जो कुछ भी बताऊँगा आप उसे एक्सेप्ट करिएगा। तो दोस्तों, आज चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्यान केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि ध्यान को केंद्रित कैसे किया जाता है, ध्यान को केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, इसमें सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह है, हम पढ़ाई में मन लगा रहे हैं लेकिन हम इधर पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान उसमें लग ही नहीं रहा है। वैसे पढ़ाई करने में कोई मतलब नहीं होता है, ऐसी पढ़ाई करने से हमको कोई भी लाभ नहीं होता है। दोस्तों, वो उन्हीं लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं हमको याद नहीं होता है। पढ़ाई करने के तरीके से यदि पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई याद जरूर होगी। दोस्तों, आज हम कुछ टिप्स को लेकर आए हैं कि पढ़ाई में मन ध्यान केंद्रित कैसे करें। ध्यान हमारे यदि कहीं बट गई हो या फिर किसी प्रकार से होता है कि उलझनों में दिमाग चली जाती है, तो ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, इसमें हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं, उस टिप्स को यदि फॉलो कीजिएगा आपको 99% आपको सफलता मिलेगी, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं, इससे हमें सफलता मिली है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टिप्स है, आपके पास तो पेन जरूर होगा, इस प्रकार के 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये का पेन तो आपके पास जरूर होगा। आप पढ़ाई करने बैठे होंगे तो आपके पास पेन जरूर होगा। दोस्तों, आप पेन को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस प्रकार से लेना है, इसकी ऊपर की ये जो ढक्कन होती है इसको खोल लेना है, और ध्यान को केंद्रित करने का तरीका बता रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन से फिर सेकेंड फिर फर्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे। दोस्तों, आप इस प्रकार से पेन को ऐसे उठा लीजिएगा, और पेन को उठाने के बाद में आपको इस तरह से पेन को रखना है। पेन को रखने के बाद में आपका ध्यान एकदम इसके नोक पर होना चाहिए, आपको ध्यान इस प्रकार से ऐसे देखना चाहिए, ऐसे कम से कम 2.5 से 3 मिनट करेंगे तो आपका ध्यान देखेंगे कि आपका ध्यान एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगा। जब आपका ध्यान एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगा तो आप उस समय पढ़ाई करेंगे, आप जो कुछ भी याद करेंगे आपको दिमाग में याद हो जाएगा, और ऐसा याद होगा कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। दोस्तों, वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम बहुत मन लगाते हैं, मन कहीं से लगाना नहीं होता है, मन को किसी से लगाना नहीं होता है कि हम मन को ज़बरदस्ती कहे नहीं, हम मन को आपको लगा रहे हैं, आइए हम पढ़ रहे हैं आप आ जाइए, मन को ऐसे नहीं लगाया जाता है। या तो मन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, और या तो मन इस प्रकार से, आप एक कुछ टिप्स बता चुके हैं, इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, 99% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, पढ़ाई करने का सही तरीका आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा, बट हम आपको बताएंगे पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई केवल बैठ कर करना चाहिए, पालथी मार कर बैठ कर करना चाहिए, बट दोस्तों ऐसा संभव नहीं होता है, कुछ लोग पर डिपेंड करते हैं पढ़ाई। जानते हो क्या होता है कि पढ़ाई हम यदि बैठ कर करेंगे तो पढ़ाई मात्र 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम यदि बैठ कर पालथी मार कर यदि करेंगे तो मुश्किल से 20 मिनट करने के बाद में हमारा जो शरीर होती है, शरीर में कमर में दर्द होने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको एक यूनिक तरीका बताएंगे जिससे कि आप पढ़ाई में करने का सही तरीका जान जाएंगे। तो पढ़ाई करने का सही तरीका नंबर एक होता है कि आप पालथी मार कर करिए, ऐसा ये तरीका नहीं है। नंबर एक तरीका क्या है कि आप बिस्तर पर बैठ कर और या फिर एक करवटिया लेकर उस समय कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हो सकता है तो इस प्रकार से बिस्तर पर बैठकर, बिस्तर ऐसा नहीं कि खाट पर नहीं करना चाहिए, तख्ता पर हो सकता है, इस प्रकार के बेड पर हो सकता है, इस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरी तरीका है कि आप लेट कर कैसे
पीठ के बगल नहीं लेटना चाहिए, आप पेट के बगल लेट जाइए। पीठ के बगल लेटने से क्या होता है कि आपको निद्रा जल्द आने लगती है। क्यों निद्रा जल्द आने लगती है? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क पर यदि दबाव पड़ेगा, जब मस्तिष्क पर यदि दबाव पड़ेगा तो क्या होता है कि मस्तिष्क पर यदि दबाव पड़ने से उस पर नींद आने की पूरी पूरी चांस होती है। तो आप सोकर यदि करेंगे, पुस्तक ऐसे लेकर करेंगे तो आपके इस मस्तिष्क पर, पीछे वाले मस्तिष्क पर दबाव पड़ेगा, जिससे कि आपको 10 से 5 मिनट के अंदर हमें निद्रा आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो आपको पेट की बगल करना है या फिर आपको हल्का सा लेट कर, करवटिया लेट कर करना होगा। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करने का तरीका है। इससे क्या होता है कि इससे आप दो दो घंटे, चार चार घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, ये हमारा था पढ़ाई करने का तरीका। अब फर्स्ट नंबर पर क्या है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, अब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाना, पढ़ाई करने का तरीका तो आपको मालूम हो गया, ध्यान भी केंद्रित हो गया, अब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी टॉपिक पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में, तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? यदि आप दूसरा दिमाग में दूसरा कुछ कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे जाना है, हमको यहाँ पे जाना है, हमको इस टाइम पर यह करना है, हमको घूमने जाना है, टहलने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो इसमें पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगी, इसमें पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगी। पढ़ाई करने में जब मन ऐसे लगेगी कि आप 2 साल आगे का सोच लीजिए, 2 साल, 3 साल, ऐसे इस प्रकार से आगे तक का सोच लीजिए। जैसे इसमें हो, आप कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हो, या फिर आप हाई स्कूल में हो, तो हाई स्कूल में हो 3-4 महीने 5 महीने आगे तक का सोच लीजिए कि जब बोर्ड आएगा तो हम उसमें फेल होंगे, यदि नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे तो हमारा क्या दशा होगी, हम किस प्रकार से बेइज्जती महसूस करेंगे, इस प्रकार से समझिए। और यदि इंटर में हैं तो इंटर में इसी प्रकार से कि बोर्ड आएगी, बोर्ड के बाद हम फेल होंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो यदि हम पढ़ेंगे तो पास होंगे तो हमारा नाम रोशन होगा, इस प्रकार से। और जब यदि हम कंपिटेटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार से सोचिए कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि हम एक दिन लेट करेंगे तो क्या होगा कि हम तो एक दिन लेट कर रहे हैं, बट जो तैयारी करने वाले होते हैं वो एक दिन आगे जा रहे हैं, तो हम एक दिन तो लेट कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो एक दिन आगे जा रहे हैं, तो हमारा फाइनली 2 दिन का गैप हुआ, नहीं, एक दिन तो हम पीछे आ गए और दूसरा जो होता है एक दिन आगे चला गया। तो इससे क्या होगा कि उसकी कंपटीशन एग्ज़ाम आगे निकल जाएगी और हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम पीछे। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग पढ़ते समय या फिर पढ़ने के टाइम में, जब आपका जीवन लाइफ होता है, पढ़ने का समय होता है, इस समय में आप लोग बाजा वजा से दूर रहिएगा, साउंड से क्या रहिएगा, दूर रहिएगा। चूँकि साउंड से दूर रहने का मतलब ये है कि यदि साउंड के पास रहिएगा तो ये जो माइंड होता है ना, माइंड पर या फिर कलेजे पर जो धक धक की आवाज़ होती है ना, उससे क्या होता है कि हमको याद करने की कैपेसिटी, याद करने की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये रही ध्यान केंद्रित कैसे करें, पढ़ाई में करने का तरीका क्या है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, ये हमारी आज की 3 टिप्स रही, आपको कैसा लगा आप जरूर जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं किया जाता है, बल्कि अपने सपने को पूरे करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।